तो यार सब्जी मंडी में हो, ये मत सोचना कि आपको सब्जी दिखानी है। सब्जी मंडी में दिखाना आपको ऐसा कमाल का नाश्ता जिसे देख के मजा आ जाएगा। भाई मेरे को अपना काम करने दो, वीडियो देखा। हाँ जी भैया क्या चाहिए? टमाटर 40 रुपए किलो डाल दूं? किलो शाबाश। तो ये देखो जी आ गए सब्जी मंडी में छोले भटूरे दिखाने। ये देखो नान लग रहे हैं यहाँ पे, वाह तंदूर से गर्मा गर्म नान निकल रहे हैं। सामने कस्टमर्स खड़े हैं जी ढेर सारे वेटिंग के अंदर, और सीधा अंदर चल के आपको सेटअप दिखाता हूँ। ये देखो एकदम बढ़िया भटूरे लगाए जा रहे हैं। भैया जी राम राम। राम राम सर। सर थैंक यू, सबसे पहले तो आपने अपना टाइम दिया। आज पूरा शेड्यूल बिजी है, मैं देख रहा हूँ ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। हाँ जी सर। नाम बताइए आप अपना। हरभजन। हरभजन भैया क्या क्या रहता है अपने पास? अपने छोले भटूरे, नान छोले, छोले चावल। क्या बात है जी, काफी वैरायटी है नाश्ते की। और ये देखो लगातार प्लेट्स लगती जा रही है। और ये सेटअप देखो क्या बढ़िया पित्तल की परात है हरभजन भैया ये। हाँ जी सर। अरे वाह जी, पित्तल की बड़ी सी परात है, उसमें रखे हुए जी गर्मा गर्म छोले, और सामने देखो क्या कलरफुल सेटअप है। हरभजन भैया सबसे पहले एक बार छोले दिखाइए यार। ये लो सर। ये देखो जी छोले का सामने पहाड़ लगा हुआ है। और वाह यार एक चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी भैया, एक एक दाने को मसाला लगा हुआ है प्रॉपर। हाँ जी सर। अरे वाह, पूरे मसाले वाले छोले भटूरे रहते हैं जी। ये देखो जी सामने आलू है मसाले वाले। हाँ जी सर। भैया छोले के अंदर मसाला क्या डालते हैं? गरम मसाले डालते हैं सर। अच्छा, गरम मसाले होते हैं जी कई तरह के। ये देखो प्लेट्स लग रही है। अब ये किस चीज की प्लेट लगा रहे हैं? छोले भटूरे। ये छोले भटूरे की प्लेट लगा रहे हैं जी। ये देखो, और सामने एक बार भाई आपकी नजर में दिखाना चाहूंगा ये पैकिंग। देखो पैकिंग पहले ही कर करके प्लेटें रखी गई है, क्योंकि यहाँ पे रश इतना पड़ता है, ग्राहक को वेट करवाना पसंद नहीं है हरभजन भैया ना। हाँ जी सर। एक बार सामने कढ़ाई देखो, एकदम बढ़िया गोल्डन भटूरे निकलते जा रहे हैं। हरभजन भैया आप क्या करने लगे हैं? ये सर ग्रेवी वाले चने बना रहा हूँ। ये देखो जी तरी आ गई छोले की, आपको सामने दिखाता हूँ छोले की मेकिंग होते हुए। वाह, एक बार बढ़िया से चला के दिखाइए हरभजन भैया। ये देखो यार ऊपर से एकदम छोले आए और ये तरी के अंदर घुमा के। वाह, सुबह कितने बजे शुरू करते हैं हरभजन भैया? 7:30 बजे सर। सुबह 7:30 बजे शुरू करते हैं। और छोले भटूरे बनाने कब शुरू करते हैं छोले ये? 3 बजे सर। सुबह 3 बजे भाई बनाने शुरू कर दिए थे ग्राहकों के लिए 7:30 बजे सेवा में। हाँ जी सर। क्या बात है। अब ये डोलू में से क्या डाला भैया आपने, दिखाई एक बार। मैजिक। ये मैजिक है? हाँ जी सर। क्या बात है, ये जादू है, ये क्या चीज है सर? मैजिक है सर इसका। ये मैजिक है मतलब इसको बोलते क्या है, क्या चीज ये? ऐसे है सर, इसी का सामान है सर, मसाले। अच्छा मसाला है। हाँ जी सर। तो ये मसाला वाला मतलब मसाले वाला तेल बनाया हुआ आपने? हाँ जी सर। जो छोले के अंदर डालते हैं, छौंका लगाते हैं और इससे स्वाद आता है। हाँ जी सर। क्या बात है जी, सामने जो मैंने छोले की रंगत देखी, एक तो ये बहुत कमाल की है, एक हरभजन भैया आपकी मुस्कान कमाल की। एक बार दोबारा हंस के दिखाइए। ये देखो यार, एक बार सामने आलू भी दिखाइए हरभजन भैया कैसे है। ये देखो जी ये फ्राइड आलू है। वाह, आलू पहले फ्राई करके बाद में मसाला लगाया जाता है। हाँ जी सर। एकदम कमाल के। और ये क्या चीज है सर? पालक की सब्जी है सर। अच्छा, छोले पालक वाले होते अपने? हाँ जी सर। ये देखो एकदम बढ़िया पालक है यार, वाह वाह वाह, ये भी गर्मा गर्म। और ये आगे है जी मिर्ची का अचार। वाह, अगर किसी को मसाला कम लगे तो हरी मिर्ची का अचार ले सकते हैं। और ये देखो जी गाजर का अचार, एकदम बढ़िया। और जैसे भैया अपने पास रश है और गाहकी है, मुझे तो लगता है रोज सामान सारा नया ही बनता होगा। हाँ जी सर। और इधर नान निकलते जा रहे हैं तंदूर से, एकदम गर्मा गर्म। भैया कौन सा नान है ये? मिक्स नान। ये देखिए जी मिक्स नान है। और भाई लगातार ना, जैसे ये देखो गिनती नहीं है, आते जा रहे हैं, प्लेटें लगती जा रही हैं। और इधर मक्खन देखो भैया, पूरे फ्रिज के अंदर मक्खन ही रखा हुआ बस। अरे वाह यार, ये देखो पूरा मक्खन भर के रखा हुआ, कटिंग करके टाइम बच जाता है, सीधा नान के ऊपर आ जाता है ना। नान आते जा रहे हैं लगातार। और ये देखो प्लेट लग रही है, आलू आ गए साथ में छोले तरी ऊपर, और ये आया जी चम्मच। और उधर भटूरे का मेला देखो भाई क्या लगा हुआ है। ये किस चीज की प्लेट है हरभजन भैया? नान के सर। ये नान छोले की प्लेट लग रही है यार। ये देखो जी आगे मक्खन लगा के बढ़िया गर्मा गर्म नान। ये देखो जी, और ये सब नान की लग रही है प्लेटें? हाँ जी सर। ये देखो भाई नान की जो लगातार प्लेट लगती जा रही है, नान का बैच है सारा। और हरभजन भैया छोले दोबारा चाहिए हो तो? और मिठाई जितना मर्जी आप खाओ, जितनी बार मर्जी खाओ भाई तसल्ली से। ये देखो वो आलू आए साथ में गर्मा गर्म छोले, और भाई छोले लगातार बनते रहते हैं, पीछे पतीले से आते रहते हैं, और पूरा दिन ऐसे ही माहौल चलता रहता है। वाह, ये आ गए प्याज। वाह बहुत ही बढ़िया। ये देखो भाई भटूरे की लुक, एकदम गोल्डन भटूरा। ये देखो भाई आ गया दूसरा भटूरा, और प्लेट की लुक चेक करो क्या कमाल की। वाह, ये पीछे देखो यार कस्टमर्स बैठ के खा रहे हैं, और इधर फ्राइंग चलती जा रही है जी लगातार, और माहौल पता लग रहा है कि भैया आज संडे है ना। हाँ जी सर। संडे मतलब छोले भटूरे। यस सर। ये देखो जी पीछे बाल्टी में से लगातार आती जा रही है छोले की तरी। भैया एक बार वो भी दिखाना, खोला अरविंद भैया इसको। ये देखो जी ये छोले की तरी। हुआ
इसके अंदर भी भैया पालक और कसूरी मेथी डाली हुई है ना। हाँ जी सर। तो सब्जी मंडी के छोले भटूरे देखो यार भाई, देखते देखते 15-16 किलो छोले खत्म, और ये हरभजन भैया दोबारा छोले बना रहे हैं। वाह, ये देखो एक बार दिखाना भैया, ये देखो भाई क्या बात है भैया, दीवान की इतनी ड्रम एक ही है बस। ये देखो भाई पीछे जहाँ भटूरे लग रहे हैं वहाँ भी एक ड्रम रखा हुआ है जी चने का। ये देखो जी एकदम बढ़िया पिंडी स्टाइल छोले हैं, मतलब भैया लोग बोलते हैं संडे मतलब छोले भटूरे, अपनी दुकान पे सच होता है वो। ये देखो जी लगातार भटूरे निकलते जा रहे हैं, और क्या बड़े साइज के भटूरे एकदम गोल्डन क्रिस्पी। भैया भटूरे के अंदर भरते भी कुछ? अब जी भाव जी भरते हैं, स्टफिंग करते पनीर का, बहुत पनीर की स्टफ किया जाता है। ये देखो जी आवाजें सुनो बस, आप ग्राहकों की एक प्लेट लगा दो, दो प्लेट लगा दो, पैकिंग जाती जा रही है। वाह एकदम बढ़िया। और ये सामने देखो मैदे की बना के लोइयां रखी हुई है, ऊपर धनिया भी नजर आ रहा है, साथ में अजवाइन भी डालते हैं भैया जी भाव जी। अरे वाह यार, ये देखो अकेले भैया ने कढ़ाई संभाली हुई है, लगातार चार चार पांच पांच भटूरे निकलते ही जा रहे हैं। ये पीछे जो बड़ा पतीला पड़ा उसके अंदर छोले हैं जी भाऊजी, एक बार थोड़ा ढक्कन हटा के दिखाएंगे। आ जाओ। ये देखो यार वाह, राजी सब्जी मंडी वाले छोले भटूरे का असली खजाना है ना भैया। जी जी जी। तो ये फाइनली देखो यार अपनी प्लेट लगने जा रही है, हरभजन भाई लगा के दे रहे मसाले वाले आलू आगे। आपको इतनी धीरे प्लेट लगाने की आदत नहीं है हरभजन भैया ना, रश होता तो भाई लगातार काम चलता है यहाँ पे, पर अपनी धीरे से प्लेट लगाई जा रही है। पालक आई, ये ऊपर आई सीक्रेट ग्रेवी जो कहते हैं भैया मसाले वाली, और साथ में आया प्याज मूली और एक गाजर का अचार और हरी मिर्ची। गाजर का अचार मैं देख रहा हूँ लगातार भैया खाली होता जाता है और भरता जाता है ना। ये देखो भाई दो भटूरे और एकदम शानदार। भैया कितने रुपए की प्लेट है ये? 40 रुपए की प्लेट है, दो भटूरे और छोले दोबारा भी। हाँ जी सर। क्या बात है, और एक बार वो स्माइल तो दिखाओ अपनी। तो भाई ये आगे सब्जी मंडी के बढ़िया छोले भटूरे, अभी थोड़े फटूरे हो गए क्योंकि रश बहुत ज्यादा है, प्लेट लगी 10-15 मिनट हो गए हैं तो पिचक गए हैं। आप आओगे आपको एकदम मिलेंगे करारे करारे फूले फूले। ये देखो जो हाईलाइट है ना, जो मेरे को समझ आया यहाँ पे खड़के, जिसकी वजह से ज्यादा कस्टमर आ रहा है, भटूरे के अंदर तेल फील नहीं होता, मतलब बनाए तो भाई पानी में नहीं जाते तेल में ही जाते हैं, पर इसमें फील नहीं होता ऊपर ऊपर। ये एकदम बढ़िया स्टफिंग की हुई है, जीरा भी है साथ में, धनिया भी और पनीर भी है। ये देखो एकदम बढ़िया चने और बीच में पालक की तरी है। अभी अभी छोले बने तो ग्रेवी गाड़ी नहीं है, लगातार पूरे दिन में बनते रहते हैं, ग्रेवी गाड़ी होती रहती है, मज़ा आता रहता है। एक और बाइट लेके समझाता हूँ आपको। ये देखो तो यार जो दिल्ली स्टाइल छोले भटूरे होते हैं ना, वो गाढ़ी ग्रेवी ऊपर तेल वेल मार के, ये वैसे नहीं है पंजाब स्टाइल छोले हैं, इनको आप छोले की सब्जी ही बोल सकते हैं, वैसे वाला हिसाब है। पालक का बढ़िया टच है, जैसे वो ऑयल का फ्लेवर आता है ना वो जो कढ़ाई वाला डालते हैं, वो चीज़ नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर मसालों का बढ़िया फ्लेवर है। मुलायम भटूरे हैं और मसालेदार छोले हैं, साथ में चटनी प्याज और मिर्ची का अचार और साथ में गाजर का अचार, सर्दियों में और क्या चाहिए। वाह, ज़्यादातर जो दुकानें होती हैं ना रेडियाँ होती हैं, छोले भटूरे का स्वाद एक जैसे ही होता सबका, बट यहाँ के थोड़े से अलग लगेंगे आपको क्योंकि छोले की वजह से। एक तो जो छोले आपको बताया ना ज़्यादा तरी वाले हैं, सब्जी जैसे छोले हैं, और साथ में मसाले वाले आलू। नाश्ते की प्लेट आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, और लोकेशन बहुत ईजी है यार, छोटी एबोवाल में सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी के बाहर ही छोले भटूरे वाले हैं, बहुत फेमस है सब्जी मंडी वाले छोले भटूरे। अगर आपको भी खाने तो आ जाओ, और मिलते हैं भाई अगली वीडियो में।